असद भाई, क्या हो गया अगर जोएब और बाकी लोगों को ये पता चल जाए कि आपने साइड बिजनेस स्टार्ट किया है? इसमें तो टेंस होने की क्या जरूरत है? परेशानी की बात है, अगर बाबा को पता चल गया तो सो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, घर से ही निकाल देंगे ना। आशिर, अभी तो उन्हें यह भी नहीं पता कि मैंने अपने इस घर के डॉक्यूमेंट्स जो है वो बैंक में प्लच किए हैं। असद, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? इन सारे मसलों का हल निकल सकता है, इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कम ऑन भाई, आज हमारे बिजनेस प्रॉफिट्स की सेलिब्रेशन है और आप यूं मुंह लटका कर बैठे। आपको पता है इफ्तखार साहब का भी मूड आपकी वजह से ऑफ हुआ था। मैं तो सोच रहा हूँ कि लोन वापस करता। भाई ऐसा जरूर होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अंकल से कह दीजिएगा कि उनके ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अमानत हैं, जैसे ही आएंगे आप उन्हें लौटा देंगे। आशिर, एक और काम भी हो सकता है। मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ और इफ्तखार साहब से अपने घर के पेपर्स वापस मांग लेता। भाई एक और गलती कर बैठेंगे। क्या मतलब? देखें, इफ्तखार साहब समझेंगे कि आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है, और अगर उनका दिमाग उलट गया तो बना बनाया गेम खराब हो जाएगा। आपको यही टेंशन है ना कि अंकल आपको घर से निकाल देंगे? तो आप एक काम कीजिएगा, अलीजे को लेकर यहाँ आ जाइएगा। मगर आशिर, तुम तो ये घर बेच चुके हो ना, तो फिर हम यहाँ आके कैसे रह सकते हैं? मुझे घर हैंडओवर करने के लिए 6 माह का वक्त मिला। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं 6 माह का वक्त मजीद ले लूंगा। मेरा ख्याल है अब तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? लो असद, आशिर ने तुम्हारा ये मसला भी हल कर दिया। अब तो कम से कम तुम स्ट्रेस नहीं लो।